हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपने जीमेल अकाउंट से अपने किसी फ्रेंड को इमेजेस या फिर पीडीएफ सेंड करते हैं और वो आपकी ईमेल आपके क्यूड के अंदर ऐड हो जाती है और सेंड नहीं हो पाती है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आप अपने आउटबॉक्स के अंदर जो क्यूड वाली फाइल ऐड हो जाती है, आप उस क्यूड वाली फाइल को किस तरह से भेज सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर क्यूड वाली एक फाइल आ रही है जो कि सेंड नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, इस क्यूड वाली फाइल के अंदर हमने एक पीडीएफ अटैच की है। तो दोस्तों, जब भी हम किसी फाइल के अंदर यानी कि ईमेल में कोई पीडीएफ या फिर इमेज अटैच करते हैं तो दोस्तों वो नहीं सेंड हो पाती है हमारे इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से, या फिर हमारा इंटरनेट स्लो होता है या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो हमारी ये फाइल नहीं सेंड हो पाती है। तो दोस्तों, आप इस क्यूड फाइल को किस तरह से सेंड करेंगे? तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने इसमें एक पीडीएफ अटैच की हुई है। तो दोस्तों, हम इस फाइल को आपको भेज कर दिखाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर क्यूड लिख कर आ रहा है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको स्क्रीन पर थोड़ी देर प्रेस करके और नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर अपलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा और ये फाइल रिफ्रेश हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर अपलोडिंग का ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों, अब ये फाइल हमारी अपलोड होने लगी और जैसे ये फाइल अपलोड हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी क्यूड वाली फाइल को यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी फाइल सेंड हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी अपनी जीमेल की क्यूड वाली फाइल को सेंड कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।